हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ अपना किचन टूर शेयर करने जा रही हूँ। यह है मेरे किचन की एंट्रेंस, जहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है मम्मी दा ढाबा, और ये मेरे किचन की एंट्रेंस है। सबसे पहले मैं आपको अपनी क्रॉकरी दिखाती हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, ये है एक हमारे घर का क्रॉकरी यूनिट। यहाँ पर हम अपने जितने भी कप्स, सॉसर्स, प्लेट्स वगैरह हैं, हम सब यहीं पर रखते हैं। ये है कुछ कप्स, सॉसर्स, बोल्स, पीछे कैटल है। ये बेसिकली पूरा टी सेट है। यहाँ पर कुछ ग्लासेस हैं, कुछ और बोल्स हैं पीछे। ये मेरे बेटे के शेक्स वगैरह ड्रिंक करता है, वो इसमें समर्स में यूज़ के लिए हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत क्यूट सा ये डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ पर और बोल्स हैं, कप्स हैं, ऊपर भी कप्स हैं। यहाँ पर अगेन पूरा टी सेट है। ये वो क्ले पॉट वाले ग्लासेस हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं। यहाँ पर और कप्स हैं, प्लेट्स हैं, सूप बोल्स हैं। यहाँ पर भी सूप बोल है, आइसक्रीम्स वगैरह हम बनाते हैं, तो हम इसमें आइसक्रीम्स वगैरह बनाते हैं अपनी। अभी तो ये बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुआ है। पीछे और कप्स हैं, सॉसर्स हैं, प्लेट्स हैं। ऊपर वो चटनी जार है, वो भी रिसेंटली परचेज किया है, तो बस ऐसे ही जस्ट रखा हुआ है। ऊपर लिक लॉलीज बनाने के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लासेस हैं, कुछ और ग्लासेस हैं। यहाँ पर भी ग्लासेस ही हैं, ऊपर भी ग्लासेस हैं। वो सब मेरे बेटे के जब फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो उसके लिए कप्स वगैरह हैं। बच्चे यहाँ पर मिल्क वगैरह एंजॉय करते हैं इसमें। यहाँ पर भी ग्लासेस हैं, ऊपर भी ग्लासेस ही हैं। ये बेसिकली सिर्फ ग्लासेस के लिए ही टॉल यूनिट्स बनाए गए हैं। यहाँ नीचे जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए हम ये बोल्स वगैरह सर्विंग के लिए यूज़ करते हैं उस टाइम पे। तो यहाँ से मेरे किचन की मेन एंट्री है। ये ओवरऑल लुक है। ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, ये बस अभी रिसेंटली ही लिया है, पहले दूसरा था। ये 265 लीटर्स का है, और इसके साथ में ही हमारी वाटर बॉटल्स हैं। मिक्सर ग्राइंडर है, यहाँ पर हम डेली यूज़ के जो कप्स होते हैं वो रखते हैं। यहाँ पर मेरे बेटे के डेली यूज़ में, जैसे बच्चे जंक वगैरह बहुत पसंद करते हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है मैं उसे सब कुछ घर में बना कर दूँ। तो उसके लिए जैसे पिज्ज़ा एंड पास्ता सॉस है, और मेयोनीज है, मस्टर्ड सॉस है, पीनट बटर है। नीचे भी यहाँ पर सैंडविच ब्रेड है, ये मिंट मेयोनीज है, और शिपोटले सॉस है, और यहाँ पर थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग है। पीछे ये उसका वेज मेयोनीज बर्गर है, निटेला है, चॉकलेट स्प्रेड फन फूड्स का, ये अभी निटेला ख़त्म हो गया, ये फन फूड्स का चॉकलेट स्प्रेड है। ये जैम है जो डेली यूज़ में यूज़ होता है, ये सब यहीं पे रखते हैं ताकि इजीली एक्सेसिबल हो। और बाकी ये सीजनिंग्स वगैरह हैं, चिली फ्लेक्स हैं, रोजमेरी है, बेजल है, ये पाजले हैं। यहाँ पर थाइम है, और ओरिगनो है। यहाँ पर पेरी पेरी मसाला है, ये पेरी पेरी सीजनिंग। सो ये कुछ इस तरह से है। और इसके साथ में आज हम राजमा बनाने वाले हैं, तो बस वो राजमा सोख करके रखे हुए हैं, अभी बस इसको कुक करेंगे।
ये एक छोटा सा वॉल स्टिकर है हैप्पी किचन। ये हमारा गैस स्टोव है, 4 बर्नर कुकटॉप है ये। यहाँ पर एक जस्ट ऐसे रखा हुआ है, इसमें हम इसमें टी शुगर है, इसमें टी लीव्स हैं और डेली यूज़ में ये यूज़ होता है, टैमरिन पेस्ट ये वो है। और सॉल्ट भी हम यही रखते हैं क्योंकि इजीली एक्सेसिबल होता है। इसमें सौंफ पाउडर है ये। ये हमारा OTG है, ओवन टोस्टर ग्रिलर। इसी के ऊपर यहाँ पर है माइक्रोवेव और इसके ऊपर भी एक और यूनिट है, इसके ऊपर एक और यूनिट है। इसमें हमारा पॉपअप टोस्टर है और एक ये है स्नैक मेकर, एक ये है इसमें हम कबाब्स वगैरह ग्रिल कर लेते हैं। इसके बगल में ही है हमारी पैंट्री, जो भी डेली यूज़ का सामान होता है, जो नमकीन्स बिस्किट्स वगैरह उस टाइप का, वो हम सब ऐसे स्टोर करते हैं, जैसे चिप्स हो गए या नमकीन्स हो गए, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, चॉकोज हो गए, वो सब यहाँ रखते हैं। नीचे बिस्किट्स वगैरह हैं, उससे नीचे भी जो डेली ग्रॉसरीज होती हैं जो अभी यूज़ में नहीं लगी हैं वो यहाँ रखते हैं। यहाँ पे अगेन नमकीन है, यहाँ पर डेली यूज़ के स्पाइसेस हैं, जो पैकेट्स एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं वो हम ऐसे रख देते हैं ताकि जब रिक्वायर्ड हो तो यहाँ से निकाल के यूज़ कर लेते हैं। ऊपर यहाँ पर अगेन ये कैंडीज हैं, ये मेरे बेटे की बहुत फेवरेट है मर्लिन, तो यहाँ पर ये है, ये भी उसका कैंडीज़ का ही सेट। यहाँ पे बेसिकली कैंडीज़ ही हैं। ये है ओट्स यहाँ पर और यहाँ पर कुछ और कॉर्नफ्लेक्स, चॉकोस, ओट्स, ग्रेनोला, ये सब यहाँ पर है। यहाँ पर है चॉको पाई। सो ये बेसिकली पेंट्री यूनिट है एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। ये है हमारा वो सेक्शन जहाँ पर हम अपनी डेली पल्सेस और बाकी का सामान यूज़ करते हैं। ये जो पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज़ वगैरह के साथ जो सीजनिंग्स आती हैं ये हम ऐसे स्टोर करते हैं। यहाँ पर है ये है कैस्टर शुगर, ये है तेज़पत्ता, यहाँ पर राजमा है, बाकी की और स्पाइसेस हैं। यहाँ पर पीछे ओट्स हैं, यहाँ ऊपर ड्राइड रेड चिलीज हैं, दलिया, मैदा, सूजी, बेसन, ये सब ऐसे स्टोर करते हैं। यहाँ नीचे हम पूरी दालें, राजमा, छोले वगैरह जो भी है वो यहाँ बॉक्सेस में स्टोर करते हैं। इसके इस साइड है हमारा वॉशिंग एरिया जहाँ पे डिशेस वगैरह धुलती हैं। सो ये है सिंक, ये डबल सिंक है। यहाँ पर है हमारा आरओ, ये देख सकते हैं, ये है हमारा आरओ। और यहाँ पर ये और है जस्ट एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए। ये एक अलमीरा है यहाँ पर, यहाँ पर हम अपने जितने भी कुकर्स वगैरह हैं वो हम यहाँ पर स्टोर करते हैं। ये है मेरा राइस कुकर, ये बाकी के कुकर्स हैं। ऊपर एक और 12 लीटर का कुकर है, जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो ये यूज़ में आता है। और ऊपर और बर्तन है जो एक्स्ट्रा है, ये एक और राइस कुकर है यहाँ पर। यहाँ पर है हमारा तंदूर, पता नहीं दिख रहा है या नहीं, बट यहाँ पर तंदूर रखा हुआ है बिकॉज़ ये डेली यूज़ नहीं होता है
तो ऊपर रखा है, जब भी रिक्वायर्ड होता है तो ऊपर से उतार लेते हैं। यहाँ पर हम रखते हैं ग्लासेस, इसके ऊपर टोस्टर, सैंडविच मेकर, ये है ग्रिलर, यहाँ पर है बिस्किट्स वगैरह, और इसके पीछे है हैंड जूसर, यहाँ पर मट्ठी, नमकीन वगैरह सब जो भी है यहीं पे स्टोर होता है। इसके बगल में है ये, यहाँ पर है मेरे बेटे के सब स्कूल के लंच बॉक्सेस, ऊपर भी एक्स्ट्रा स्टोरेज है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो बहुत रेयरली यूज़ होती हैं, यहाँ रखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर हैं एग्स और कुछ एक्स्ट्रा बॉक्सेस जो यूज़ नहीं होते हैं रेगुलरली, कुछ फिल करना हो तो यहाँ रख देते हैं, वॉश करके कुछ डालना होता है तो इजीली मिल जाते हैं। ये है मेरा चॉपर का जार, ऊपर मिक्सर का एक और जार एक्स्ट्रा और एक और बॉक्स एक्स्ट्रा। यहाँ पर है जो डेली यूज़ के स्पाइसेस हैं वो, और ऑयल, घी, ऊपर मस्टर्ड ऑयल, सब ऐसे। यहाँ पर है डेली यूज़ में आने वाले स्पाइसेस, जीरा, अजवाइन, हींग, काला नमक, सोडा, कसूरी मेथी एक्सेट्रा, सब हम यही रखते हैं। इसके ऊपर ये है, बट ये अभी खाली है। यहाँ पर है चिमनी, ये है हमारा रिवॉल्विंग रैक, इसमें भी स्पाइसेस ही हैं। इसके ऊपर भी बॉक्सेस वगैरह हैं, बट ये कम ऊपर का कुछ खाली ही रहता है, बिकॉज वही चीज़ें रखते हैं जो डेली यूज़ में यूज़ नहीं होती हैं। सो जी, कुछ ऐसा है ये। और यहाँ पर है ये बॉटल ट्रे, बट इसमें हम पिकल्स वगैरह रखते हैं, जैसे ये है आम का अचार और लेमन पिकल, मिक्स पिकल, यहाँ पीछे गार्लिक पिकल है, और यहाँ पर ये एक बनाया हुआ है जो रिवॉल्विंग वाला होता है, ये वो है। इसमें है हमारे सभी स्पून्स, ये मेरे बेटे के स्कूल लेके जाता है, वो बनाना केस है। यहाँ पर बोल्स वगैरह हैं, यहाँ पर भी वो एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स ही हैं। यहाँ पर है सिल्वर फॉइल्स, कुछ और स्पाइसेस जैसे शाही पनीर मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक्स्ट्रा चीज़ें यहीं पे रखते हैं। यहाँ पर है ग्रेटर और फ्राइंग पैन और वेजिटेबल्स वगैरह धोने के लिए ये यूज़ होता है, ये यहीं पे रखा है। इसके नीचे हैं जी एक्स्ट्रा ग्रॉसरीज जो अभी अरेंज करनी है, अभी अरेंज नहीं की है। यहाँ पर है मसाला बॉक्स, इसके नीचे ये है हमारा आटा रखने वाला कंटेनर। यहाँ पर है ये चकला बेलन रखने के लिए, ये भी है एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स के लिए ही। यहाँ पर बड़े वाले ट्रेज वगैरह और बड़े वाले बॉक्सेस, जैसे ज़्यादा सब्ज़ी बनती है तो इसमें रख लेते हैं। यहाँ पर है प्लेट्स, यहाँ पर भी तवा एंड ऑल यहीं पे रखते हैं। यहाँ पर है ये 15 फीट का ग्रिल पैन और एक्स्ट्रा बर्तन और ऊपर सीलिंग फैंस ऐसे वाले हैं यहाँ पर,
और ये फॉल सीलिंग बनी हुई है सर्कल शेप की, एक वहाँ एक सेंटर में ये सेंटर में पीओपी है ऐसे, और ये राइट हैंड साइड पे फॉल सीलिंग है। सो ये बेसिकली तीन सर्कल्स हैं, आसपास लाइटिंग है और बीच में सीलिंग फैन है जैसा कि आप देख सकते हैं। सो जी बस ये था मेरा छोटा सा किचन टूर, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।